नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन को सुदृढ़ करने के प्रयास में जुटी योगी सरकार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। योगी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि नेशनल मेडिकल कमीशन नई दिल्ली की ओर से प्रदेश के 7 नए मेडिकल कॉलेजों में इसी सत्र से MBBS की पढ़ाई शुरू करने को लेकर हरी झंडी मिल गई है। आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 13 नए मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से बात की है, जिसके बाद से 7 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए लेटर ऑफ परमिशन भी जारी कर दिया गया है। वहीं बचे हुए 6 मेडिकल कॉलेज की ओर से जो है NMC में दोबारा अपील की जाएगी। विभाग की माने अगर तो इन्हें भी जल्द ही लेटर ऑफ परमिशन प्राप्त हो जाएगा। तो खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा तोहफा उन छात्रों के लिए है जो मेडिकल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। योगी सरकार को इसको लेकर एक बड़ी सफलता मिली है और इसी विषय पर बात करने के लिए जो है JP नड्डा से भी बातचीत की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिसमें कई मेडिकल कॉलेजेस को जो है परमिशन मिल गई है और कई नई जो है अब कॉलेज खोले जाएंगे, ऐसी खबर सामने आ रही है। वायनाड लैंडस्लाइड को लेकर के गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के सांसदों को अगर अर्ली वार्निंग जो है सिस्टम की जानकारी नहीं है तो यह गलत है, लेकिन अगर जानकारी है तो वह राजनीति कर रहे हैं और यह बेहद ही दुखद है। दस मिनट पहले बिजली अक्षांश रेखांकित कहां गिरेगी वो सीधा कलेक्टर को इन्फॉर्म करती, मगर इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। मैं तो मानता हूं जानकारी का अभाव होगा, जानकारी का अभाव है तो भी ठीक नहीं है। और बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राठौर ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उनका आभार जताया है। ट्वीट कर कहा कि नई दिल्ली में देश के यशस्वी गृहमंत्री, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता के आदर्श श्री अमित शाह जी से मुलाकात का सुअवसर प्राप्त हुआ। आपने जिस संकल्प के साथ मां भारती के स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया है, उस ओजस्विता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की विराटता ने मुझमें जो है एक नई ऊर्जा का संचार किया है। मुझे राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मिली नई जिम्मेदारी के लिए प्राप्त आपकी शुभकामनाओं के लिए कोटि कोटि आभार। तो अमित शाह से मुलाकात की है राजस्थान के नए प्रदेश अध्यक्ष ने। राठौर ने मुलाकात के दौरान जो है ये तस्वीरें उन दोनों की है और उसके बाद से उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो है ट्वीट करते हुए बाकायदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए आप सभी का मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है इस जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास करूंगा। और खुद दिल्ली में जाकर उन्होंने मुलाकात की, जिम्मेदारी सौंपने पर आभार जताते हुए, और दोनों की जब मुलाकात हुई तो उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं। दरअसल इन्हें बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है राजस्थान का, और ऐसे में जब इन्हें ये पदभार सौंपा गया, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे जो है इन्हें बधाई दी थी और उसके बाद से आप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से इन्होंने मुलाकात की और साथ ही उनकी काफी तारीफ भी करते हुए नजर आए। बकायदा एक पूरा ट्वीट इनके लिए लिखा। लेफ्टिनेंट जनरल PC नायर, PVSM और AVSM जो है YSM PhD राष्ट्र की 4 दशकों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। असम राइफल्स के महानिदेशक की कमान छोड़ दी और वहीं 38 साल और 11 महीने के शानदार सैन्य करियर के बाद से आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। तो असम राइफल्स की कमान छोड़ने के बाद से जो है असम राइफल्स के महानिदेशक की कमान इन्होंने छोड़ दी है।
और गौतम बुद्ध नगर के थाना सेक्टर 20 पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और बीट पुलिसिंग की सहायता से अभियुक्त रोशन कुमार पुत्र सुरेश को ब्रह्मपुत्र मार्केट से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त रोशन के पास से एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस के साथ ही 315 बोर बरामद किया गया है। तो एक अपराधी को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। यहां पर इस अपराधी के पास से जो है बताया जा रहा है कि एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया और कई सारा सामान इसके पास से जब्त किया गया है। हथियार भी इसके पास से बरामद किए गए हैं। तो पुलिस की एक बड़ी सफलता ही मानी जा रही है क्योंकि अपराध के खिलाफ पुलिस जो है लगातार एक्शन मोड में है। तो ऐसे में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। रोशन इसका नाम बताया जा रहा है, इस अभियुक्त का, और इसके पास से जिंदा कारतूस समेत कई हथियार भी बरामद हुए हैं। अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस समेत जो है 315 बोर का कारतूस भी इसके पास से बरामद हुआ है। और गौतम बुद्ध नगर की पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। इस आरोपी का नाम जो है रोशन बताया जा रहा है। और थाना जारचा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और बीट पुलिसिंग की सहायता से बीएनएस में वांछित अभियुक्त मोहसिन पुत्र अब्बास को चेकिंग के दौरान सामना नहर के पास से गिरफ्तार किया। अभियुक्त पर मारपीट, जान से मारने की धमकी और जबरदस्ती निकाह कर दुष्कर्म करने का मामला भी दर्ज था। तो गौतम बुद्ध नगर से ही एक और खबर सामने आई है जहां पर एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि लोकल इंटेलिजेंस की सहायता से इसको पकड़ा गया है। दुष्कर्म के मामले में भी आरोपी है। जबरन निकाह करके दुष्कर्म करने का मामला इस पर दर्ज है। उसी के साथ ही कई अपराधों में भी यह आरोपी संलिप्त बताया जा रहा था और अब जो है पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तारी के बाद अब आगे की पूछताछ इस आरोपी से की जा रही है। और वायनाड में लैंडस्लाइड, संसद में जो लैंडस्लाइड हुआ है उस पर संसद में बोले गृहमंत्री अमित शाह, केरल को पहले ही दी गई थी चेतावनी। घटना के साथ इस सदन में खड़ा हुआ, जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार की ओर से जवाब श्री नित्यानंद राय ही देने वाले हैं। जब यहां पर एक घंटे की चर्चा आपने अनुमोदित की तब मुझे था कि आज का दिन शायद राजनीति से परे रहेगा, इस पर राजनीतिक टीका टिप्पणियां नहीं होगी। खैर, उद्देश्य से या जानकारी के अभाव से कुछ टिप्पणियां भी हुई और कुछ सदन को पूरा देश देखता है, इसलिए देश के सामने कोई गलत फहमी हो जाए इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए खड़ा हुआ। दोषारोपण हुआ या जानकारी के अभाव में मुझे मालूम नहीं है, मगर मुझे स्पष्टता करनी है माननीय महोदय आपके माध्यम से, सदन से और सदन के माध्यम से पूरे देश को। अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग बोलते ही गए। अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द है अपने भाषण में डालकर इसको बताया गया। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी 23 जुलाई को, 7 दिन पहले। फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था माननीय, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए इसलिए मैं कहता हूं, प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। और इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वार्निंग का उपयोग कर जीरो कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट किया। मैं ओडिशा राज्य सरकार के लिए भी
उस वक्त हमारी नहीं थी, नवीन बाबू की थी। हमने 7 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, सिर्फ एक व्यक्ति मारा गया, वो भी गलती से मारा गया। गुजरात सरकार को हमने साइक्लोन का अलर्ट 3 दिन पहले भेजा, एक पशु भी नहीं मरा सब। मगर मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आप जो घिसे पिटे शब्द यहां लेकर आए हैं और डिमांड ही करते जा रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम है। भारत सरकार ने 14 के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए 2000 करोड़ रुपया खर्च किया है और इसको साझा किया जाता है। माननीय 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है और वो सूचना साइट पर सबके लिए भी उपलब्ध है, माननीय सांसदों के लिए भी उपलब्ध है। मगर कुछ लोगों को है कि यहां की साइटें खोलते ही नहीं है, विदेश की ही खोलते हैं। तो अब विदेश में तो इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम आएगी नहीं, हमारी साइट देखनी पड़ेगी। माननीय वर्षा, एक मिनट, अब सुनो भाई, मैंने ध्यान से आपको सुना है, सुनिए जरा। नो डॉन ब्रदर, प्लीज, इस तरह से नहीं चलेगा, सदन है। फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डिटेल्स आर बीइंग इंपॉर्टेंट, प्लीज। माननीय मिनिस्टर, मैं तो उस उद्देश्य से ही कहता हूं, इसको सुनकर सभी राज्य अलर्ट हो, अर्ली में अलर्ट हो जाए। मेरा किसी को ताना लगाने का आशय नहीं है। वर्षा के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हीट वेव के लिए है, तूफान के लिए है, चक्रवात के लिए है, यहां तक बिजली के लिए भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है। जो 10 मिनट पहले बिजली अक्षांश रेखांक के साथ कहां गिरेगी वो सीधा कलेक्टर को इन्फॉर्म करती, मगर इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। मैं तो मानता हूं जानकारी का अभाव होगा, जानकारी का अभाव है तो भी ठीक नहीं है, और राजनीति है माननीय तो बहुत दुखद है। माननीय कई सारे राज्यों ने इसका उपयोग भी किया है और परिणाम भी आए हैं, और इस अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, 23 तारीख को ही मेरे ही अनुमोदन से 9 एनडीआरएफ की टीमें केरल के लिए रवाना हो गई थी कि वहां लैंडस्लाइड आ सकता है। भारत सरकार ने 9 एनडीआरएफ की टीमें विमान से वहां भेजी। मैं पूछ सकता हूं माननीय, इतना मुझे पूछते हैं सारे लोग, केरल सरकार ने क्या किया? अनधिकृत लोग रह रहे थे, नहीं रह रहे थे, मगर वल्नरेबल सिचुएशन तो थी, इनको शिफ्ट किया गया क्या? क्यों नहीं किया गया? कौन रोकता था? और शिफ्ट किया तो मरे कैसे? शिफ्ट पहले नहीं किया गया है, बाद में किया गया भी। जितना बोलोगे उतना नुकसान होगा। मैं बोलना नहीं चाहता, परंतु जब आप आरोपात्मक तरीके से बात करते, मैं शांति से यहां बैठकर सुनने ही आए। माननीय और सीट डॉक्टर, मैं आज डॉक्टर आप जो माध्यम से इंटरप्टिंग कहना चाहता हूं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2016 से ये प्रोजेक्ट चालू हुआ और 23 तक दुनिया की सबसे आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम कहीं पर है तो भारत में। और इसका 7 दिन पहले इसका अनुमान देने वाले 4 ही देश है, उसमें से एक भारत है। मगर उसको पढ़ना पड़ता है, डिमांड करने से कुछ नहीं होता। माननीय जो उन्होंने कहा कि भाई डिजास्टर के पैसे रिलीज करने का राज्य के साथ पास अधिकार नहीं है, वो गलत है। माननीय मैं इसकी भी स्पष्टता करना चाहता हूं, क्योंकि सदन का रिकॉर्ड साफ रहना चाहिए। एसडीआरएफ में 10% राशि कोई भी राज्य अपने हिसाब से, अपनी गाइडलाइन से इश्यू कर सकता है, और 100% राशि भारत सरकार की जो गाइडलाइन इश्यू हुई है, गाइडलाइन इश्यू के किसी भी परमिशन की भारत सरकार की जरूरत नहीं है, गाइडलाइन को सिर्फ फॉलो करना है। मगर जो ये डिजास्टर के पैसे हैं, और कोई हेड के अंदर तो खर्च नहीं हो सकते, हमें इतना तो चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, तो फिर भी 10% खर्च तो डिजास्टर के नाम से कुछ भी आप करें कोई नहीं पूछता। 90% खर्च
आप गाइडलाइन के हिसाब से डिजास्टर के लिए भारत सरकार की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। और बंगाल का भी कहा मान्यवर, डिटेल स्टेटमेंट नित्यानंद जी पढ़ेगी, मतलब मैं स्ट्रक्चर स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, सिर्फ स्पष्टता कर रहा हूं। मान्यवर बंगाल का भी कहा, हमने 6244 करोड़ रुपया 14 से 24 तक बंगाल के अप्रूव किए हैं, और जिस प्रकार से इनके खर्च का हिसाब आता है, इस हिसाब से रिलीज होते हैं, उसमें से 4619 करोड़ रुपया हमने रीएम्बर्स कर दिया है। मगर वहां थोड़ा प्रॉब्लम है हिसाब भेजने में, अब वो तो मैं अच्छे से नहीं कर सकता साहब, बंगाल ने ही करना पड़ेगा, अकाउंट देना पड़ता है, तो सरकार है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना। सरकार के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम होती है, एजी का ऑडिट होता है, हम किसी को नहीं मानेंगे तो थोड़ी तकलीफ आएगी, मगर धीरे धीरे आदत पड़ रही है, इंप्रूवमेंट आया है, इसीलिए 6244 में से 4619 करोड़ रुपया इनका रिलीज हो चुका है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं मान्यवर, अर्ली वार्निंग सिस्टम दी गई थी, इसीलिए 23 तारीख को हमने एनडीआरएफ की 9 बटालियन वहां पर, एक सेकंड, 9 बटालियन वहां पर हमने भेज दी थी और 3 कल रवाना करी है। एनडीआरएफ की बटालियन उतरने से भी अलर्ट अगर हो जाते तो काफी कुछ बच जाता, मगर मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं, ये समय है केरल की सरकार के साथ खड़ा रहने का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप, जहां संसद में वो विपक्ष पर तंज कस रहे थे। दरअसल वायनाड में लैंडस्लाइड मामले में विपक्ष ने काफी हंगामा किया था, तो उसी पर जो है गृहमंत्री अमित शाह जो है विपक्ष को जवाब दे रहे थे। तो चलिए आप खबरों में आगे बढ़ेंगे और यूपी की बात करेंगे। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और अनुपूरक बजट भी इस दौरान पेश हुआ है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पर चर्चा की है। नीतियों के संबंध में मान्यवर, समय समय के ऊपर नजूल की जमीन आवंटित की जाती रही, अलाट की जाती रही, लेकिन इस एक्ट के लाने का उद्देश्य विशेष रूप से यह था कि हम सरकार लगातार विकास के कामों के लिए प्रयास कर रही है और हर तरह से ये प्रगतिशील सरकार को हर जगह सरकार की किसी न किसी रूप में भूमि लेना पड़ती है और जो भूमि अर्जित करते हैं उसमें समय भी लगता है और काफी धन भी खर्च होता है, इसलिए विभिन्न सार्वजनिक उपयोगों के लिए और विकास को और अधिक गति प्रदान करने के लिए मान्यवर ये सरकार जो नजूल की जमीन है वो हर तरह से सार्वजनिक कार्यों के लिए, विकास के कार्यों के लिए, उपयोग के लिए सरकार ने ये नीति बनाई है। जनहित में इस नीति को लाने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि समय समय के ऊपर हमको जब जमीन की आवश्यकता हो, कहीं डेवलपमेंट की आवश्यकता हो, कहीं किसी सार्वजनिक हित की किसी योजना को कार्यान्वित करने की आवश्यकता होती है तो हम नजूल की जमीन को इस्तेमाल करके, नजूल की जमीन को प्रयोग करके अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं और सार्वजनिक कार्यों को मान्यवर हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए ये नजूल की जमीन के संबंध में एक एक्ट सरकार लेकर आई है। मान्यवर इसका उद्देश्य मान्यवर यह है कि निजी व्यक्ति या इकाई के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व का प्रतिषेध, बहुत छोटा एक्ट है मान्यवर, मात्र 13-14 सेक्शंस का ये एक्ट है
इसमें जो राजस्व परिषद की जमीन है या वन विभाग की जमीन है या सिंचाई विभाग की जमीन है वो इसके दायरे के अंतर्गत नहीं आती, या केंद्र सरकार के अधीन जो समी जमीन है वो भी इसके दायरे के अंतर्गत नहीं आती। जो वास्तव में इसका इतिहास भी अपने आप में एक अजीब है, जानकर बड़ा अजीब सा लगा भी कि ब्रिटिश पीरियड में जो फ्रीडम फाइटर्स हुए या जो सरकार के खिलाफ किसी न किसी रूप में आंदोलन करते थे, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाते थे, उनको सरकार तरह तरह से यातनाएं भी देती थी और उनकी संपत्ति भी जब्त करती थी। ये निजूल की जमीन वही है जो समय समय के ऊपर हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा या जो सरकार के खिलाफ जो आंदोलन करते थे उनकी संपत्ति को समय समय के ऊपर जो जब्त किया गया, बाद में वही सरकार के में वेस्ट हो गई और वही जमीन ये नजूल की जमीन कहलाई जाती है। ये मानवर इसका उद्देश्य जो भी हमारे ये धारा 3 में खास तौर से इस बात को दिया है कि अगर किसी निर्णय डिक्री या आदेश के विपरीत या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि या किसी सरकारी आदेश के होते हुए भी उत्तर प्रदेश में नजूल भूमि को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात निजी व्यक्ति या निजी इकाई के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व में संपरिवर्तित नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित सरकारी अनुदान अथवा नजूल भूमि को से संबंधित किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी किसी विधि का किसकी व्यावृत्ति सहित निरसन होते हुए भी अथवा साधारण खंड होने पर के पश्चात उत्तर प्रदेश स्थित नजूल भूमि को निजी व्यक्ति या निजी इकाई के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व में संपरिवर्तित नहीं किया जाए। उद्देश्य मानवर यही है कि जो सरकारी जमीन है वो किसी न किसी रूप में सरकार को मिले सार्वजनिक उपयोग के लिए, उसके उसमें निजी स्वामित्व किसी प्रकार से न हो सके। इसमें खासतौर से जिन लोगों ने लीज का पैसा जमा किया है, लीज को फ्री होल्ड का पैसा, उसमें ये सेक्शन 3 का 3 इसमें दिया हुआ है, खासतौर से उन लोगों को बैंक के रेट से, बैंक का भी रेट भी इसमें दिया हुआ है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ट लैंडिंग रेट। ये स्टेट बैंक की योजना है कि जिसमें लोगों को फिक्स डिपॉजिट पर जो ब्याज मिलता है उसके आधार के ऊपर किसी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स के आधार के ऊपर उनको ब्याज सहित पैसा वापस कर दिया जाएगा। और वो जो पहले ये कहा गया था कि भाई उनको फ्री होल्ड कर देंगे, तो वो फ्री होल्ड नहीं की जाएगी। सरकार नजूल भूमि के उन पट्टाधारकों का पट्टा चालू रख सकती है जिनका पट्टा अभी भी चालू है और जो नियमित रूप से पट्टा किराया जमा कर रहे हैं और पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। ऐसी शर्तों पर जैसा कि सरकार द्वारा समय समय पर विहित किया जाए या ऐसे पट्टों को अभिधारित किया जाए। ये मान्यवर विशेष रूप से है कि जिन लोगों ने लीज के तो लखनऊ में यूपी विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, मॉनसून सत्र चल रहा है और इस मॉनसून सत्र में जो है अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा की गई, वित्त मंत्री ने इसमें चर्चा की। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।